नमस्कार दोस्तों, मैं संधु स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टैग गुरु जी पर। दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, जो जिस जगह के बारे में बता रहा हूं, ये जगह हिंदुस्तान की सबसे भूतिया जगह है। इस जगह के आगे ना तो कुलधारा और भी बहुत सारी जो जगहें जिसको भूतिया जगह मानते हैं वो कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह को काला जादू का गढ़ माना जाता है। काले जादू की शुरुआत भी इसी जगह को ही माना जाता है। इस जगह का वर्णन महाभारत में भी है। कहा जाता है घटोत्कच जो था वो इसी जगह से ही अपनी तंत्र विद्याओं को साध कर मायावी शक्तियों को लेकर इसी जगह से ही गया था महाभारत के युद्ध में, जहाँ पर उसने कौरव सेना का विनाश किया था, वहाँ तबाही मचा दी थी। इसी जगह का वर्णन जो है वो वेदों में भी आता है। कहा जाता है बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ है कि वो भगवान शिव को काली शक्तियों का जनक मानते हैं, कहते हैं कि वही ईष्ट हैं काली शक्तियों के, जबकि ऐसा नहीं है। काली शक्तियों का जो ईष्ट माना जाता है वो इंद्र देवता को माना जाता है। उन्होंने ही इंद्र जाल की रचना की थी, माया जाल जो भी काली शक्तियों की रचना उन्होंने की थी। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को समूहित करके एक प्रतिरूप दिया था। जब देवताओं की और असुरों की जंग हुई थी तब उस जंग में हर कोई यही चाहता था कि वो प्रतिरूप उसके पास हो, क्योंकि जो अगर ये प्रतिरूप असुरों के पास होता तो निस्संदेह ही वो इस युद्ध को जीतते। तो सारे देवताओं के आग्रह करने पर और इस धरती को बचाने के लिए उन्होंने उस प्रतिरूप के एक स्त्री का रूप दिया और उसके टुकड़े करके कहा जाता है कि धरती की ओर फेंक दिए। वो जो टुकड़े थे वो हिंदुस्तान के एक राज्य असम का एक गांव है मायोग, वहाँ के गिरते हैं। और जब उस गांव की औरतें उस मांस के टुकड़ों को देखती हैं उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, और कहा जाता है कि वो औरतें जो थी उस मांस को खा जाती हैं, जिससे कि वो मायावी शक्तियाँ जो है वो तंत्र साधनाएँ जो हैं उन औरतों के अंदर आ जाती हैं। आज भी उस गांव के अंदर 80% लोग तंत्र विद्या को जानते हैं। कहा जाता है कि उस गाँव में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो आत्माओं से और जिनों से प्रेतों से लोगों की जो बीमारियाँ होती है उसका इलाज करते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे भी साधु हैं जो इंसान को एक जानवर का रूप भी दे सकते हैं। ये जो कहानी है ये भी उसी के ऊपर है, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी। तो बात 1786 की है। एक अंग्रेज इंग्लैंड से, वो वहाँ पे पॉप था, और जो ये भूत प्रेत की जो चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर रिसर्च करता था, उसका इलाज भी करता था। तो किसी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे भारत में भी इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे माना जाता है। भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो तो आध्यात्म का गढ़ रहा है। तो वो इस चीज़ के रिसर्च करने के लिए वो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद जब वो रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि असम के अंदर एक गाँव है मायोग। वो अपने जितने भी उसके साथ के स्टूडेंट होते हैं वो उनको लेके उस जगह पर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो वहाँ के साधुओं से इस चीज़ के बारे में पता करता है। तो वो लोग उसको पूरी की पूरी कथा बताते हैं, पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि काले जादू की शुरुआत यहाँ से हुई थी, ब्लैक मैजिक जिसे कहा जाता है उसकी शुरुआत यहीं से ही हुई थी और किस हिसाब से हुई थी उन्होंने सब बताया उसे। उसके बाद वो अंग्रेज उनसे कहता है कि मैं कुछ दिन तक यहीं रहूँगा और इस चीज़ के बारे में और रिसर्च करूँगा। उसकी उसको परमिशन मिल जाती है। तो वो अपनी डायरी में उसने लिखा था कि मैंने यहाँ पर जब देखा तो यहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब तरीके से लोग तंत्र साधनाएँ करते थे। एक बार क्या होता है कि एक स्त्री वहाँ आती है जो प्रेग्नेंट थी और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। तो उस ज़माने में कहा जाता है कि ज़्यादा हॉस्पिटल हुआ नहीं करते थे, तो इलाज के लिए कोई चीज़ था नहीं। तो वहाँ पे जो तांत्रिक होता है वो अपनी तंत्र विद्याओं से एक प्रेत के ज़रिए उसका इलाज करता है, उसके दुख तकलीफ को ख़त्म कर देता है। वो ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा भौचक्का रह जाता है और वो उनसे और ज़्यादा सीखता भी है। लेकिन उस गांव के अंदर एक मंदिर होता है जो ईष्ट का मंदिर होता है, जहाँ से काले जादू का जो देव होते हैं उनको रखा गया है। वहाँ हर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ लोकल लोग जो होते हैं जो तंत्र को साधते हैं वही लोग जाते हैं। तो उस अंग्रेज को मना किया गया था कि आप उस मंदिर के पास भी मत जाइएगा। पर वो अंग्रेज था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो एक दिन रात में अचानक उस मंदिर में चला जाता है। और जब सुबह उठ के देखते हैं
तो वो वहाँ पे मृत पाया जाता है, वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको मार दिया है। ये चीज़ देख के काफ़ी लोग वहाँ के डर जाते हैं, उसके जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं जो उसके साथ रिसर्च करने आए, वो भी डर जाते हैं और उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो जो वहाँ के तांत्रिक होते हैं वो मिलके उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ इस जगह को छोड़ दीजिए, अगर आप इस जगह को नहीं छोड़ेंगे तो हमारे देव नाराज़ हो चुके हैं, हो सकता है कहीं आपकी मृत्यु ना हो जाए। इस चीज़ को देखते हुए वो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं। और वहीं पर ही उसी अंग्रेज ने अपनी डायरी में लिखा था कि उस जगह पर मैंने एक चीज़ देखी थी, वहाँ पे एक इंसान आया था मेरे सामने और उसने जो तांत्रिक था उसको अपनी कुछ बातें बताई कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे महाराज ये घटित हो रहा है। तो वो उन्होंने अपनी योग शक्ति से देखा और उन सब चीज़ों का इलाज किया। और उन्होंने जब तंत्र विद्या कर रहे थे तो उस तांत्रिक ने उस अंग्रेज को एक जीते जी इंसान को एक जानवर की शक्ल में भी बदल के दिखाया था, जिस चीज़ को देख के वो काफ़ी बहुत चक्का हो गया था और इसी चीज़ से इंस्पायर होकर वो उस मंदिर के अंदर गया था ये देखने के लिए कि वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है, क्या रहस्य है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से फिर उस गांव में कभी रिसर्च के लिए कोई नहीं जाता है, इवन लोग जाते हैं अपना इलाज कराते हैं और वापसी आ जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए प्लीज़, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।